अपॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू. पॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ गॉशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. जो क्लोज सरफेस है वो एक क्यूब की सूरत में है, उसके सेंटर में चार्ज है क्यू. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब इज. क्यूब के किसी एक फेस में से फ्लक्स होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर सिक्स एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर फोर एप्सिलॉन नॉट या क्यू ओवर एट एप्सिलॉन नॉट. तो स्टेटमेंट के मुताबिक हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा. एक क्यूब है, उसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ, सपोज ये क्यूब है और इसके सेंटर में यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है क्यू. तो हम ये जानते हैं कि ये जो क्यूब है ये एक क्लोज्ड सरफेस है, और एक क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स मालूम करने का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन द क्लोज सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो मैं इस फॉर्मूला के मुताबिक लिख लेता हूँ, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये क्यूब एक क्लोज सरफेस है, इसमें से टोटल फ्लक्स हमें हासिल होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो ये तो टोटल फ्लक्स है क्यूब में से, तो पहला ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं हो सकता, हमने किसी एक फेस में से फ्लक्स निकालने. और अगर आप इस क्यूब को देखें, इसकी डायग्राम, इसकी ज्योमेट्री को देखें, इस क्यूब के सिक्स फेसेस हैं. एक ये अपर फेस है, एक ये लोअर फेस है, एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे फेस है और एक ये राइट हैंड साइड पे, 1 2 3 4. और एक ये फ्रंट वाला इसका फेस है और इसके एक बैक में ये वाला फेस है. तो एक क्यूब के सिक्स फेसेस हैं और तमाम सिक्स फेसेस में से टोटल जो फ्लक्स है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है. हमने किसी एक फेस का फ्लक्स निकालना है तो वो हम इधर से देख लेते हैं. हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू सिक्स फेसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ऐसे लिख दें, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. जो क्यूब में से टोटल फ्लक्स है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, वही हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूब के सिक्स फेसेस में से फ्लक्स है, यानी कि वो टोटल फ्लक्स होगा. तो हमने किसी एक फेस में से फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स जो है वो सिक्स हिस्सों में डिवाइड होगा, सिक्स पार्ट्स में, हर फेस में से बराबर फ्लक्स जा रहा है. तो सो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस. जो टोटल फ्लक्स है वो सिक्स पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो किसी एक फेस में से फ्लक्स होगा क्यू ओवर सिक्स एप्सिलॉन नॉट. तो ये किसी एक फेस का फ्लक्स, तो फिर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा कि क्यूब के किसी एक फेस में से फ्लक्स होगा क्यू ओवर सिक्स एप्सिलॉन नॉट. दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन.